ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस हफ्ते सर्वाइवर सीरीज के बाद स्मैकडाउन पर जो व्यूअरशिप आई है वो उनकी फॉक्स पर अब तक की सबसे लोएस्ट व्यूअरशिप है। इसके अलावा गाइस, फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन कौन से हैं जो कि WWE को बस अब लीव करने को तैयार हैं। ब्रे वाइट की जो नई चैंपियनशिप बेल्ट है उसकी कीमत जानकर आप लोग बोलोगे कि यार ये मतलब ये चल क्या रहा है। और शेमस के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग देखो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक। और गाइस, सबसे पहले हम लोग व्यूअरशिप की बात कर लेते हैं। अगर आप लोग यहां पर मुझसे और ऑल इलीट रेसलिंग की व्यूअरशिप की बात कर रहे हो कि वो क्या थी, तो भाई अभी वो डिले है, अभी वो सामने नहीं आई है, जब आएगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन स्मैकडाउन की बात करें तो गाइस, पिछले हफ्ते जो उनकी व्यूअरशिप थी वो लगभग 2.5 मिलियन के आसपास थी, लेकिन इस बार वो 8% घट चुकी है। और जो इस हफ्ते स्मैकडाउन को व्यूअरशिप मिली है सर्वाइवर सीरीज के बाद वो है 2.336। और गाइस, ये अब तक की स्मैकडाउन पर जब से वो गया फॉक्स के ऊपर तो वो सबसे कम व्यूअरशिप है। यहां पर मैं FS1 की बात नहीं कर रहा जहां पर 1 मिलियन से भी नीचे गई थी, लेकिन अगर यहां पर आप बात करो फॉक्स वाले चैनल की तो वहां पर ये अब तक की सबसे कम व्यूअरशिप है। अब इसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है, कुछ लोगों का मानना है ये है कि ये डे आफ्टर थैंक्सगिविंग था तो इसलिए व्यूअरशिप कम थी, लेकिन फिर भी सर्वाइवर सीरीज के बाद का ही पहला शो था तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन यहां पर मेरी थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन वैसे कुछ यहां पर था नहीं। बट अगर आप शो की बात करें तो ऐसी कोई बात नहीं कि ये शो बेकार था, लेकिन जिस तरीके का स्मैकडाउन का शो था मेरे हिसाब से आगे के शो के लिए फैंस अब एक्साइटेड जरूर होंगे। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस, ये जुड़ी है हमारे फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, 2 times टैग टीम चैंपियन ल्यूक हार्पर से। तो गाइस, मैंने आपको बहुत टाइम पहले भी बताया हुआ है कि ल्यूक हार्पर ने WWE से रिलीज की डिमांड करी थी, वो चाहते थे WWE कंपनी को छोड़ना। हालांकि WWE ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया और उसके बावजूद भी हम लोगों ने देखा कि वो टेलीविजन के ऊपर आए और एकदम से मेन इवेंट की पिक्चर में उन्हें डाल दिया गया, जब रोवन के साथ मिलकर वो अगेंस्ट थे रोमन रेंज के। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये दोनों बंदों को अलग अलग कर दिया गया और अब ल्यूक हार्पर हमें टेलीविजन के ऊपर भी नहीं देखने को मिल रहे। तो गाइस, कुल मिलाकर बात यह है कि ल्यूक हार्पर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले ही एक्सपायर हो गया था, लेकिन क्योंकि वो इंजर्ड थे तो इंजरी के टाइम में जो WWE में काम नहीं कर पाए, WWE सिंपली क्या करती है कि वो इंजरी वाले टाइम को भी उनकी डील में आगे जोड़ देती है, जिससे जो टाइम है WWE के अंदर उन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है। मतलब जिस टाइम वो काम नहीं कर पाए अब इंजरी के बाद जब वो आ चुके हैं तो सिंपली उनके कॉन्ट्रैक्ट में उस टाइम को जोड़ दिया जाता है और इसी के चलते अभी तक ल्यूक हार्पर WWE में है। लेकिन गाइस, जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह WWE के साथ खत्म हो जाएगा अब ल्यूक हार्पर के प्लान्स हैं WWE छोड़ने के। और गाइस, आप लोग ये कह सकते हो कि इस बात पर मुहर तब लग गई जब ल्यूक हार्पर ने रिसेंटली एक नया ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया जो कि है ब्रॉडी ली नाम का। और गाइस, ये वही नाम है जो कि WWE में आने से पहले इंडिपेंडेंट शो के अंदर वो यूज किया करते थे। तो यहां से बात सिंपल है, उन्होंने अपने पुराने वाले नाम को ट्रेडमार्क करवा लिया और शायद इसके पीछे रीजन ये है कि WWE छोड़ने के अब उनके प्लान्स हो चुके हैं। अब WWE भी उन्हें रोक नहीं सकती क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट जब पूरा हो जाएगा तो भाई आप कैसे रोक लोगे। तो उसके बाद वो WWE कंपनी छोड़ने वाले हैं। और गाइस, यहां पर काफी ज्यादा रूमर्स ये हैं कि वो ऑल इलीट रेसलिंग को साइन कर सकते हैं। इसके पीछे बिल्कुल सिंपल सा रीजन है, अगर वो किसी और इंडी शो में जाएंगे तो हो सकता है उन्हें ज्यादा स्पॉटलाइट ना मिले, लेकिन WWE का जो भी सुपरस्टार वहां पर जाता है उसको काफी अटेंशन मिलती है। और गाइस, वैसे भी ऑल इलीट रेसलिंग के अंदर ल्यूक हार्पर के काफी अच्छे दोस्त हैं, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत जल्दी कि ल्यूक हार्पर WWE कंपनी से जाने वाले हैं और वो आपको ऑल इलीट रेसलिंग में दिखाई दे सकते हैं। और वैसे सही भी, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो भाई छोड़ दो। और मेरे हिसाब से वैसे भी WWE के अंदर फिलहाल तो उनके साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा, लेकिन वहां पर जाकर वो शायद हमें कुछ कमाल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस, ये जुड़ी है ब्रे वाइट की कस्टम चैंपियनशिप बेल्ट से जो कि हम लोगों ने इस हफ्ते स्मैकडाउन के शो में देखी। ये बेल्ट बहुत ही अलग है, दूसरी बेल्ट से कंपेयर करो तो भाई ये बिल्कुल ही अलग नजर आ रही है और इसके पीछे रीजन खुद फीड है, उन्होंने अपना वाला पूरा इफेक्ट उसमें छोड़ा हुआ है। लेकिन गाइस, आपको ये बात भी पता होगी कि WWE चैंपियनशिप बेल्ट की रेप्लिका निकालती है, मतलब जैसे टी शर्ट वगैरह WWE शॉप पे बिकती है वैसी इसकी रेप्लिका भी बिकती है जो कि बिल्कुल चैंपियनशिप के जैसी दिखती है। तो गाइस, उन चैंपियनशिप बेल्ट की कीमत होती है लगभग 30-40 हज़ार के आसपास, मतलब जो रियल वाली बेल्ट है उसकी कीमत तो भाई अलग ही है, लेकिन उसकी सेम दिखने वाली रेप्लिका WWE निकालती है ताकि जो फैंस है वो भी खुश हों, वो भी फील करें कि हाँ वो चैंपियन है उसे कंधों पर डालकर। तो गाइस, उसकी जो कीमत है अगर मैं आपको इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बताऊं तो वो 30-40 हज़ार के आसपास होती है। लेकिन गाइस, जो इसकी बेल्ट निकाली गई है जो फैंस के लिए जो कि बिल्कुल लिमिटेड एडिशन है, उसकी कीमत है $6,500। और अगर मैं इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूं तो ये निकल के आते हैं लगभग 4-4.5 लाख के आसपास। ये कीमत बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली। और गाइस, इसके पीछे आप लोग अगर एक रीजन बताओ तो मैं आपसे कहूं, पहला तो ये कि ये लिमिटेड एडिशन है और दूसरा ये कि ये कोई रेप्लिका नहीं है, मतलब माना ही जा रहा है कि ये बेल्ट बिल्कुल सेम वही है जो कि ब्रे वाइट कैरी करते हैं, क्योंकि यहां पर रेप्लिका बनाने जैसे कुछ है नहीं। चलो वो बेल्ट में तो अलग अलग चीजें लगी होती है, काफी महंगी चीजें लगी होती है जैसे यूनिवर्सल चैंपियनशिप और WWE चैंपियनशिप, लेकिन इस वाली बेल्ट में महंगा लगाने जैसा आइटम कुछ नहीं है। तो WWE ने सिंपली बिल्कुल इसकी कॉपीज निकाली हुई है और इसी के चलते इस बेल्ट का प्राइस इतना ज्यादा हाई है। मुझे तो नहीं पता कि इस बेल्ट को खरीदेगा कौन, वैसे खरीदने वाले बंदे तो खरीदेंगे, लेकिन मैं इंडिया की बात करूं तो भाई हम तो 50 रुपए 50 पैसे की कोई चीज होती है, दुकानदार बोलता है कि नहीं ये 51 रुपए की मैं बेचूंगा, हम बोलते हैं भाई 50 की क्यों नहीं, 50 पैसे का हिसाब क्या होगा, तो हम तो भाई यहां 50 पैसे के लिए लड़ जाते हैं। बात यहां 4.5 लाख रुपए की है और उसमें भी सिर्फ एक बेल्ट।
मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि इसके बारे में आप लोगों के थॉट्स हैं। और गाइज इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है शेमस से, जो कि इस समय काफी हॉट टॉपिक है, उनके बारे में काफी ज्यादा बातें हो रही हैं। और गाइज रिसेंटली उन्होंने जो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी है वो कुछ ऐसी है जो कि मुझे लगता है आपको इंटरेस्ट दिलाएगी। और गाइज आप लोग इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वाली फोटो देख सकते हैं, ये दो फोटोज देख सकते हैं के बाद एक, जहां पर शेमस ने ये दोनों फोटोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी है। और यहां पर उन्होंने सिंपली लिखा है आयरिश मैन द, और उसके बाद उन्होंने डॉट लगा रखा है, यानी कुछ वो है, लेकिन वो क्या है वो हमें नहीं पता। लेकिन गाइज यहाँ पर जो लुक है शेमस का वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कि वो हमें आज से काफी साल पहले देखने को मिलते थे। और इस पर जो रिएक्शन है फैंस का वो भी काफी अच्छा है, वो कह रहे हैं कि चलो तुम अपने थीम सॉन्ग के साथ भी आ जाओ, मतलब पुराना लुक है तो पुराना वाला थीम सॉन्ग भी आ जाना चाहिए। कोई लोग कह रहे हैं कि भाई तुम इतने टाइम से कहाँ गायब थे, हम यही लुक तुम्हारा चाहते थे। तो फैंस का यहाँ पर जब रिएक्शन अच्छा मिलता है तो WWE इस बात को जरूर नोटिस करती है। मतलब फीड के केस में देख लो, अगर फीड को अच्छा रिएक्शन नहीं मिलता तो क्या आज वो इतने तगड़े बुक होते। और फीड की बात चली तो यार मैं एक बात और आपको बता दूं कि इस समय वो WWE के टॉप मर्चेंडाइज सेलर भी है। तो जितना फीड का करेक्टर सक्सेसफुल था फैंस की वजह से या फिर जो चल रहा है, मेरे ख्याल से जैसा सपोर्ट शेमस को मिल रहा है, WWE को जरूर शेमस के साथ कुछ अच्छा करना चाहिए। और सीधा अगर उन्हें मेन पिक्चर में भी डाल दिया जाए, मेन इवेंट पिक्चर में, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी बुरी बात होगी। और मैं तो चाहता हूँ कि भाई वो ऐसा डोमिनेट करने की उनकी जो पुरानी वाली इमेज थी वो फिर से वापस आ जाए, और फिर तो यार WWE देखने में भी और ज्यादा मजा आ जाएगा। कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग क्या कहना चाहोगे शेमस के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, और आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।